हेलो दोस्तों, ग्रीन गार्डन गुजरात में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में जो है नागचंपा प्लांट की जो मैंने कटिंग लगाई थी, इसी प्लांट की कटिंग थी, दो थी, तो एक मैं लगा चुकी हूँ, दूसरी मैं लगाने जा रही थी, तो उसी का आज वीडियो शेयर करूँगी। तो उसके पहले आप देख सकते हैं ये मदर प्लांट है, और इसको मैं 15 रुपये में परचेज़ करके लाई थी। जल्दी से ये प्लांट मिलते नहीं हैं, लेकिन मुझे मिल गया था, तो मैं इसको 15 रुपये में लेकर आई थी। छोटा सा अनहेल्दी सा प्लांट था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। और इसको मैंने यहाँ से कट किया था, तो यहाँ से दो ब्रांचेस आई, और अभी देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, और आगे भी बर्ड्स आएंगी क्योंकि नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं। तो आज मैं इसी की रिपोर्टिंग जो है आपके साथ में शेयर करूंगी। तो ये है वो कटिंग जिसको मैंने ये टूटे टब में लगा कर रखा हुआ था। तो मैं इसमें बहुत सारी कटिंग्स लगाती हूँ, जैसे कि जेड प्लांट की कटिंग है, यहाँ पर मैरीगोल्ड की कटिंग है, और बिंका की कटिंग है। तो इसी में मैंने ये कटिंग लगा कर रखी थी नागचंपा की, और आप देख सकते हैं इसमें बर्ड्स भी आ गई, कटिंग में भी बर्ड्स आ गई है। तो इसी को पहले मैं निकालूंगी, उसके बाद में फिर हम इसको रिपोर्ट करेंगे। तो रिपोर्ट करने के लिए मैंने जो मिट्टी ली है वो सिंपल सी मिट्टी है फ्रेंड्स, ये है गार्डन सॉइल और राइस हस्क, और इसमें थोड़ा सा सैंड मिक्स है। तो ये जो है मेरे पॉट की मिट्टी है, इसी में जो है मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के थोड़े से दाने और वन मील और जो है सीबिट के दाने डालूंगी, बस इतना ही मैं डालूंगी, जैसे कि मैं हमेशा सॉइल मिक्स बनाती हूं। और इस पॉट में मैं लगाऊंगी इस तरीके के पॉट में। तो इसमें जो है मैंने ये ड्रेनेज होल कवर करने के लिए राइस हस्क पहले से ही डला हुआ है, मैं नीचे राइस हस्क डाल लेती हूं, या फिर जो हमारे किचन गार्डन का जो वेस्ट रहता है, लीव्स वगैरह सूखी, उनको डाल देती हूँ। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद में जो है हम इसको आसानी से एकदम आराम से मिट्टी के साथ में निकालेंगे फ्रेंड्स, जिससे कि पॉट जो प्लांट जो है हमारा कटिंग जो है शॉक में ना आए। तो उसको हम एकदम डीप करके तो निकालेंगे, जिससे कि नीचे से मिट्टी के साथ में निकले। इस तरीके से, तो ये जेट प्लांट की कटिंग है, तो फिर से इसी में हो जाएगी। बहुत सारी कटिंग्स है मेरे पास में, तो इस तरीके से निकाल ली हूँ इसको मैं। ये देखिए रूट्स के साथ में निकाली हूँ। अब इस मिट्टी में जो है हम थोड़ा सा बोन मील डालेंगे, आपके पास में बोन मील हो तो बोन मील डाल लें, नहीं तो कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। नीम खली हो तो नीम खली डाल दें आप फ्रेंड्स, नीम खली भी अच्छी है, फंजीसाइड का काम करती है। आपके पास में फंजीसाइड हो तो फंजीसाइड डाल दें। ये मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट के थोड़े से दाने डाले हैं, और उसके बाद में जो है आप इतना जो है सीबिड ग्रेन्यूल्स डाल दें। सीबिड जो है बहुत अच्छा होता है प्लांट्स की हेल्थ के लिए, ऑर्गेनिक होता है। तो अब इससे ही हम इसको मिक्स कर देंगे। मिट्टी जो है फ्रेंड्स मिक्स हो चुकी है। अब इस पॉट में जैसा कि मैंने बताया था, इसमें वर्मी राइस हस्क पहले से है, तो होल को कवर करने के लिए अब इसमें जो है मिट्टी डालेंगे। बस इतनी मिट्टी कवर करेंगे, और इसको जो है एज इट इज ऐसा ही रख देंगे, और फिर इसमें मिट्टी कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरीके से रिपोर्टिंग कर ली है, और मिट्टी भरने के बाद में थोड़ा सा ऐसा टैप कर दें, जिससे कि बबल्स वगैरह
कुछ एयर पॉकेट्स वगैरह ना रहें। और उसके बाद में जो है हमको वाटरिंग कर देना है, और वाटरिंग मैं तो अभी दिखा रही हूँ, बाकी वाटरिंग ऐसे करना है कि नीचे से होल से पानी निकल जाए, जिससे कि पूरा जड़ तक पानी पहुँच जाए। इस तरीके से वाटरिंग करानी है, और राइस हस्क है तो मॉइस्चर बना रहेगा फ्रेंड्स। और इसको वाटरिंग करने के बाद में एक छाया वाली जगह में, सेमी शेड में, मतलब एकदम छाया, अंधेरे में नहीं, लेकिन जहाँ पर एकदम इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो वैसी जगह पर रख देना है। और कुछ भी नहीं करना है, समय समय पर इस पर वाटरिंग करते रहना है, और पानी के ऐसे छींटे मारते रहना है डेली, जिससे कि इसकी पत्तियों पर जो है ठंडक बनी रहे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से रिपोटिंग करना है। और इनके प्लांट के जो है, इसके पहले मैंने हाइड्रेंजिया की भी रिपोर्टिंग करी थी, तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी संडे अपडेट में। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से रिपोर्टिंग हो गई है। तो आपके पास भी कटिंग हो फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से रिपोर्टिंग कर लें, और कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है तब भी ये बहुत अच्छी ब्लूम करते हैं, पूरे साल ही ब्लूम होते हैं। तो अगर आपको कहीं से कटिंग मिल जाती है फ्रेंड्स, तो आप इनको ज़रूर लगा लें। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।